आप सभी जानते हैं हमारे भारत देश में एक अंग्रेज अधिकारी बहुत कुख्यात और बहुत क्रूर आ गया था जिसका नाम था डायर। अमृतसर में उसकी पोस्टिंग हो गई थी और उसने एक रॉलेट एक्ट नाम का कानून बना दिया था। तो उस रॉलेट एक्ट के विरोध में 14 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा हुई थी जिसमें 25,000 लोग शामिल हुए थे। उस बड़ी सभा पर डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर आप में से किसी भाई ने और बहन ने पुलिस में नौकरी की हो या सेना में नौकरी की हो तो इस बात का अंदाजा उनको बहुत अच्छे से लगेगा। 15 मिनट के अंदर 1,650 राउंड गोलियां चलाई थी डायर ने। 15 मिनट के अंदर 1,650 राउंड गोलियां चली थी और 3,000 से ज्यादा क्रांतिकारी वहीं तड़प तड़प के मर गए थे। आप में से जिन लोगों ने अमृतसर देखा है, जलियांवाला बाग देखा है, आपको मालूम है जलियांवाला बाग के घुसने के लिए और निकलने के लिए एक ही दरवाजा है। चारों तरफ से वो चार दीवारी से घिरा हुआ है और दरवाजा भी मुश्किल से 4, 4.5 फीट का है। उस दरवाजे पर डायर ने तोप लगा दी थी आके ताकि कोई निकल के भागने ना पाए। और जलियांवाला बाग में एक कुआं है, बल्कि दो कुएं हैं, अंधे कुएं के रूप में जाने जाते हैं। अंधाधुंध जब 1,650 राउंड 1,650 राउंड गोलियां चली तो जो गोलियों के शिकार हुए वो तो वहीं पे शहीद हो गए। जो बच गए उन्होंने जान बचाने के लिए कुओं में छलांग लगाई और कुआं लाशों से पट गया, मृत शरीरों से पट गया। और 15 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलाकर हंसते हुए खिलखिलाते हुए डायर वहां से चला गया। रास्ते में जाते हुए अमृतसर की सड़कों के दोनों तरफ जो भी भारतीय नागरिक उसको मिला उनको गोलियां मारकर पीछे तोप के मुंह से रस्सी से बांधकर घसीट कर वो लेके गया था। इसका इनाम उसको अंग्रेजों की संसद की तरफ से मिला था, शाबाशी मिली थी, उसकी पदोन्नति हुई थी, उसका प्रमोशन हुआ था और उसको भारत से लंदन भेज दिया गया था और बड़े ओहदे पर। ऊधम सिंह उसी हत्याकांड के समय लोगों के बीच में शामिल थे और आप जानते हैं कि उनकी उम्र मुश्किल से उस समय 11-12 साल की हुआ करती थी। तो उस हत्याकांड के समय जब वो शामिल थे और उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने संकल्प लिया था और संकल्प उनका यह था कि जिस डायर ने क्रूरता के साथ मेरे देश के नागरिकों की हत्या की है इस डायर को मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मेरे जीवन का आखिरी संकल्प है। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपको एक बात और मालूम है शहीद आजम ऊधम सिंह की, कि घर से एकदम गरीब थे, माता पिता का साया उठ चुका था, अनाथ आश्रम में बड़े हुए थे पलकर, माता पिता साथ में नहीं थे, दोनों मर चुके थे, बड़े भाई थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी किसी बीमारी से, अपने परिवार में वो अकेले रह गए थे और उनके पास आर्थिक संसाधन कुछ नहीं थे। तो जब उन्होंने योजना बनाई डायर को मारने की, संकल्प पहले ले लिया और योजना बनाई तो लंदन जाना है, लंदन जाने के लिए पैसे चाहिए, पैसे कहां से आएंगे, तो उन्होंने तय किया कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं उससे अच्छा है मैं मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाऊं। तो उन्होंने कारपेंटरी का काम सीखा, ये लकड़ी का काम जिसको हम कहते हैं, और लकड़ी का काम करते करते इतने पैसे जमा किए कि अमेरिका गए, फिर अमेरिका से लंदन पहुंच गए, लंदन पहुंच के फिर एक होटल में काम किया पानी पिलाने का ताकि कुछ पैसे इकट्ठे हों और बंदूक खरीदी जा सके, पिस्तौल खरीदी जा सके। और ये सब काम करते करते शहीद आजम ऊधम सिंह को आप जानते हैं 21 साल लग गए। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 1940 में जाकर उन्होंने अपना संकल्प पूरा कर पाया था। 21 साल वो पैसों के लिए परिश्रम के साथ कहीं ना कहीं अपने जीवन को लगाते हुए संकल्प के लिए जिंदा थे। 21 साल के बाद 1940 में किंगस्टन, एक जगह है लंदन में किंगस्टन पैलेस, वहां पर जब डायर का एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा था और उसको मालाएं पहनाई जा रही थी और उसका सम्मान किया जा रहा था, उस कार्यक्रम में ऊधम सिंह पहुंचे थे और अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर तड़ातड़ 3 गोलियां मारी थी और 3 गोलियां मारकर एक ही वाक्य कहा था कि आज मैंने 21 साल पहले का मेरा संकल्प पूरा किया है और मैं अब इसके बाद 1 मिनट जिंदा नहीं रहना चाहता, 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहना है, अब मेरे दिल की इच्छा पूरी हुई है। तो रिवॉल्वर को अंग्रेज अधिकारी के सामने जब उन्होंने सौंपा तो अंग्रेज अधिकारी के हाथ कांप रहे थे, उसको ये लगता था कि ये मुझे भी नहीं मार देगा। तो ऊधम सिंह ने कहा घबराओ मत, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी तो डायर से दुश्मनी थी जिसने मेरे देश के 3,000 लोगों को मारा। क्रांतिकारियों का इतना ऊंचा आदर्श कि जो संकल्प लिया है उसी की पूर्ति के लिए जीवन लगा देना है, उसमें 10 साल लगे, 15 साल लगे,
20 साल लगे, 21 साल लगे, ये शहीद आजम उधम सिंह से सीख। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल शिवाय न्यूज, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।